में हो रही है और प्रत्येक वर्ष भी जिला प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है, ठीक है, कि अगर वो ग्रामीण क्षेत्र हो तो संबंधित CEO द्वारा, और अगर वो नगर निगम या नगर पंचायत क्षेत्र है तो संबंधित नगर निगम या नगर पंचायत द्वारा अलाव की व्यवस्था की जाती है मार्केट एरिया में विभिन्न जगह। इसी के साथ जो रैन बसेरा हैं जो भी नगर निगम क्षेत्र में है, नगर पंचायत क्षेत्र में, उनको भी आज मैं निकला हुआ हूँ देखने के लिए कि सब व्यवस्थाएँ बेहतर हैं, लोगों को रुकने के लिए कोई समस्या नहीं है। और यद्यपि जो लोग सक्षम हैं उनके द्वारा 15 रुपये की यहाँ पर एक सांकेतिक शुल्क लिया जाता है, लेकिन इस तरह की ठंड को देखते हुए मैंने नगर निगम को निर्देशित किया है कि ऐसे लोग जो कि सक्षम नहीं है, खासकर जिनको रातें रोड पर बितानी पड़ती है किन्हीं कारणों से, उन सभी लोगों को निःशुल्क रैन बसेरा में रखने की व्यवस्था की जाए। और क्या लोग ऑलरेडी कल काफ़ी बड़ी संख्या में लोग निःशुल्क रैन बसेरा में रहे। जब तक इस तरह की ठंड पड़ेगी हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि जो भी लोग को जिन्हें जिन कारणों से सड़कों पर रात बितानी पड़ती है वो सभी रैन बसेरा में निःशुल्क यह काम करिए रह पाएंगे, और ये शायद जब तक ठंड का चलेगा जनवरी तक। इसके साथ ही कंबल वितरण का कार्यक्रम कई जगह चल रहा है विभिन्न प्रखंडों में और अन्य जगहों पे। आज भी हम लोग अभी निकले हुए हैं, जो हमारे साथ में नगर आयुक्त हैं, SDO सदर भी हैं, और ऐसे लोगों को जिनको कंबल की आवश्यकता है और उनको भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। साथ में ही स्कूल की छुट्टी रखी गई है इस समय जिला प्रशासन द्वारा 5 जनवरी तक का, और अगर इसके बाद जैसी परिस्थिति होगी उसके बाद फिर हम लोग पुनः निकाल जाएंगे। लोगों से मेरा 2 अनुरोध होगा कि ठंड ज़्यादा है और ठंड को देखते हुए आवश्यकता पड़ने पर ही आप लोग क्या नाम है या कार्य के सिलसिले में बाहर आते हैं तो अच्छा है। बच्चों पे ध्यान दें, बच्चों को ठंड से बचाएं, बच्चे ज़्यादा फ्री हैं। और दूसरा चीज़ अपने स्तर से भी जिला प्रशासन और सरकार को हम लोग करते हैं, अपने स्तर से हम सब कुछ अगर ऐसे लोगों के लिए कर सकते हैं तो हमारे पास मौका होता है। और गया जो नगरी है यहाँ पर जानी जाती है ये नगरी लोगों के लिए परोपकार के लिए, तो कहीं आपको अगर ऐसा लगता है किसी व्यक्ति को हेल्प किया जाता है तो आप जरूर उसके लिए।